भाई ओ भाई, मैंने ये वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई एम ऑलरेडी शेकिंग यू नो इट। बाय द वे, अपना यूट्यूब चैनल अभी 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। सो सी ही इज टॉकिंग ऑन द फोन एंड ऑल्सो ड्राइविंग। ले फिर आ गए, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज मोटू व्लॉगिंग सेटअप का आई डोंट नो हाउ मच, हर बार का एक डायलॉग हो गया है, पर अभी ट्राई करने वाले अपना जो USB टाइप सी वाला जो हेडफोन था अभी वर्क कर रहा है आई थिंक, तो देखते ट्राई करके। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल गाइज, अभी हम ट्राई करने वाले अपना मोटू व्लॉगिंग सेटअप का पार्ट वन अटेम्प्ट वन। सो अभी हमने क्या किया है, जो अपनी पुराने वाली USB टाइप सी थी उसको हमने अपने मोबाइल से अटैच कर दिया है। मैंने हेलमेट थोड़ा सा नीचे पहना है। सो अभी देखेंगे कि अपनी वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है, क्योंकि अपना जो टाइप सी वाला माइक था ना, माइक इन द सेंस अपने पास जो टाइप सी हेडफोन था, तो उसको हमने वापस अटैच करके देखा और घर पे मैंने ट्राई किया कुछ सेटिंग चेंज करके, तो उसमें वॉइस बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर रही थी। अभी देखते हैं इसमें विंड नॉइस कितना कैप्चर हो रहा है। होना तो नहीं चाहिए, लेट्स सी। आई गेस इसमें अच्छे खासे विंड नॉइज कैप्चर होगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बोलते हैं वाइजर डाउन नहीं किया है। सो सी ही इज टॉकिंग ऑन द फोन एंड ऑल्सो ड्राइविंग। तो सीन क्या हुआ है, मोटो व्लॉगिंग करने के लिए मेरे को बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने इंस्पायर किया था, जैसे कि अपना जो बाहर वाला है मैक्स रिस्क, उसकी एक व्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत हाइपर राइडिंग करता था वो, और उसके वजह से मैं बाइकिंग में इंटरेस्ट लेने लगा। मतलब उसके पास जो पहली वाली R1 थी, BMW S1000 RR थी ना भाई, वो अपने एक क्या बोलते हैं वो बाइक के लिमिट क्रॉस कर देता था, ऐसी राइडिंग है उसके। तो अभी हम देखेंगे कि अपने वॉइस कैसी कैप्चर हो रही है। बाय द वे, अपना यूट्यूब चैनल अभी 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है। सो हम बहुत ही जल्दी 4000 की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और अपना जो क्या बोलते हैं शॉर्ट फीड थे उसके ऊपर से ही ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर गेन हुए हैं, अपना लॉन्ग फीड ज़रा चल नहीं रहा है। सो गाइस सपोर्ट कर दो, और अपना जो लॉन्ग फीड है उसको भी हम जल्दी से जल्दी हमारे जो वॉच आवर्स है उसको कंप्लीट कर दो। अपने 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उन सब्सक्राइबर को मेरी विनती है कि भाइयों अपना चैनल ग्रो करना है हमें, तो प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना वॉच आवर कंप्लीट कर दो। वाह क्या मेंटेन रखी थी उसने R15। गाइस गुड न्यूज़, अपना जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप का जो कुछ भी झमेला चल रहा था ना, फाइनली सॉर्ट हो चुका है। अभी मैंने जस्ट ट्राई करके देखा, सो वॉइस बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर हुई 142 की स्पीड पे भी। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। अभी हम वापस से एक स्पीड रन टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि विंड नॉइज़ कितनी कैप्चर हो रही है। तो शुरू करते हैं अपना स्पीड टेस्ट रन, देखेंगे कि अपना आवाज़ स्पीड में कितना आ रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने जो मोटो व्लॉगिंग के अटेम्प्ट है फाइनली उसमें थोड़ा सा हमें सुधार दिखाई दे रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने जो स्पीड रन टेस्ट है उसके बारे में ही अभी मैं बात करने वाला हूँ। सो बाइक को हम हर एक गियर में लिमिटर में हिट करने वाले। अभी बहुत सारे रिएक्शन मिल सकते हैं यहाँ पर, रोड का काम चल रहा है इसलिए गाड़ियाँ रॉन्ग साइड से आ रही है। सो नो वरीज अबाउट दैट। सो हमें जो लिमिटर सेट करना है वो एक अच्छी क्या बोलते हैं सेफ लोकेशन पर जाकर सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक विंड नॉइज थोड़ी आ रही होगी 60 की स्पीड पर, पता नहीं क्योंकि मैंने वाइजर ओपन करके रखा है। अब मैं ज़्यादा बात करूँ किस बारे में बात करूँ उस पर ही कन्फ्यूजन हो रहा है। सो मैं मोटो व्लॉगिंग के ऊपर ही बात करूँगा, जो मेरे
इतने सारे वीडियोस बनाए हैं गाइस, आप जाके देखो। फाइनली जो अपना इसको जो इशू था, मैंने कैसे रिजॉल्व किया, क्या सेटिंग के, मैं सब कुछ बताने ही वाला हूँ इस वीडियो में। फिर भी मैंने कितने सारे अटेम्प्ट किए हैं वो आप जाके देखो, और फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि जो गलती मैं कर रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आप जाके मतलब रेक्टिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे गलतियाँ की है मोटिव लॉगिंग करते हुए। सो उस चीज़ को आप मत करो, और मैंने जो जो वीडियोस डाले हैं वो आप ठीक से देखिए। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर सुधार करना है। सो ये जो रोड है यहाँ से हम स्पीड लिमिटर ट्राई करें फर्स्ट गियर। अब मैं बहुत ज़्यादा भगाने वाला हूँ, सेकेंड गियर पे नहीं लिमिटर क्रॉस किया, क्योंकि यहाँ पे टर्न्स बहुत खतरनाक है और मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं पता नहीं। अभी मैं 92-96 100 क्रॉस किया है, मैंने 100 क्रॉस किया है। आई डोंट नो आवाज़ आ रहा है या नहीं, मैं कहीं पर रुक के चेक करूँगा, यहीं पर रुक लेता हूँ। भाई ओ भाई, मैंने ये वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड होगी। सो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो माइक लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर की वॉइस कुछ भी नहीं आ रही है। ये अपना मोटो व्लॉगिंग का चैनल का नाम है गाइस, यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो। अपना जो विंड नॉइज़ का इशू था फाइनली सॉल्व हो चुका है। लोकेशन कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर रोका कर व्लॉग कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मुझे कहने में मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना हैप्पी हूँ फिलहाल। और अब मोटो व्लॉगिंग हर रोज़ आ सकते हैं, इस प्रकार की वॉय अपनी वॉइस कैप्चर हो रही है। सो अभी मैं आप घर पे जाऊंगा और एडिटिंग करूंगा। चलो सो मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे। सो गाइस, आई एम ऑलरेडी शेकिंग, यू नो, इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने के बाद अपने को फाइनली सक्सेस मिल चुकी है मोटो व्लॉगिंग करते हुए। सो अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, अभी मैं ट्राई करूँगा मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। सो उस प्रकार मैं अब ट्राई करने वालों अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सो अभी मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 फ्रेम पर सेकेंड के फ्रेम पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ज़रा पीछे रुकूँगा, बैठूँगा, और उसके वजह से जो अपना कॉकपिट का व्यू है वो भी आने वाला है, और जो बाहर का व्यू है वो भी आएगा। आई थिंक इमेज थोड़ी सी शेकी हो सकती है, तो लेट्स सी। मेन मतलब अपना जो काम था वो अभी हो चुका है, मतलब अपना जो विंड नॉइस का इशू था वो हमने क्लियर कर चुके हैं। अभी जो फ़िलहाल अपना काम है वो एडिटिंग। सो अभी मैं घर पे जाने वाला हूँ और उसकी एडिटिंग करने वाला हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, चलते वक्त ही मोबाइल में अपना वाइड एंगल सेट करता हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ आ जाएगा कि वाइड एंगल में कितनी बड़ी इमेज दिख रही है। सो ये मैंने अभी वाइड एंगल में सेट किया है गाइस, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना बड़ा क्या बोलते हैं डिफरेंस आता है। अगर आप 60 fps पे शूट कर रहे हो तो नॉर्मल जो स्क्रीन होती है, नॉर्मल जो लेंस होती है, वहाँ से आप शूट करते हो, और ये जो वाइड एंगल है वो वाइड एंगल में आपके पास स्टेबिलिटी नहीं होती है, ना ही वो AI का ऑप्शन होता है, बट जो कुछ वाइड एंगल में आपको कैप्चर करना होता है वो आ जाता है। सो आप एडिटिंग में वो सब कुछ निकाल सकते हो। कलर ग्रेडिंग वगैरह सीखना है और मुझे उसमें, मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं बिताया है। कलर ग्रेडिंग हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे क्या कर रहा है भाई, इंडिकेटर तो है ही नहीं उस ट्रक को। सो कोई बात नहीं, सो हमें वही करना है कि कलर ग्रेडिंग वगैरह का थोड़ा सा नॉलेज लेना है एडिटिंग के वक्त, क्योंकि मेरी जो, अब मैं पुणे में रहता हूँ, सो पुणे में ज़रा ब्राइटर सन लाइट होती है, सो उसके वजह से सब कुछ ऐसे डार्क और क्या बोलते हैं ज़रा ब्राउनिश दिखाई देता है, क्योंकि सन होने के वजह से, और उसी कारण अपना जो वीडियोस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन डाउन लगती है, बट वो है नहीं एक्चुअली में। सो हम क्या करने वाले हैं, उसी सारी चीज़ों के हम एग्जामिन करने वाले हैं, सब चीज़ें हम टेस्ट करके देखने वाले हैं, और उसी के बाद हम एक बोल सकते हैं अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। सो कम से कम अपने यूट्यूब को एक 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, यूट्यूब चैनल को हमने सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छी तरीके से गेन कर ली है।
सिर्फ अपना जो बड़े वाले वीडियोस है उसके ऊपर हमें सिर्फ वॉच आवर्स मिलाना है। सो वॉच आवर्स मिलाने के लिए सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि गाइस अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे सजेस्ट करो कि ये बंदे का चैनल है, उसको जाके आप सब्सक्राइब करो। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो ही लाइक करो, कमेंट करो। बाकी आप अगर देख रहे हो तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। सो अभी हम घर पे जाते हैं और बाकी एडिटिंग करते हैं। कल का दिन आपने मोटो लॉगिंग परस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हर एक अटेम्प्ट अपना सक्सेसफुल रह चुका है। सो मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में और आपको आई होप ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माँ मोटो मैन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।